हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट गैम सो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट के बारे में इसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को हम देखेंगे तो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेल कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट ठीक है वेल कूल्ड सॉल्यूशन होगा सोडियम नाइट्राइट का एंड कोबाल्ट टू क्लोराइड या तो कोबाल्ट टू क्लोराइड होगा या कोबाल्ट टू नाइट्रेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड ठीक है डाइल्यूट एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये सारी जो है हमारे पास में रिएक्शन होगी और सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट बन के आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो हमने लिया है प्लस ठीक है कोबाल्ट टू क्लोराइड को हमने लिया है और सोडियम नाइट्राइट को लिया है तो हमारे पास बना कोबाल्ट नाइट्राइट यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है प्लस टू है ठीक है प्लस सोडियम क्लोराइड यहाँ पर साथ में रिलीज हुआ है यहाँ पर हमने लिया सोडियम नाइट्राइट को प्लस एसिटिक एसिड ठीक है यहाँ पर क्या है डायल्यूट एस्टिक एसिड को बताया था तो एस्टिक एसिड को लिया हमने और आपके पास में सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में हमने इनको रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर क्या बन के आ गया सोडियम एसिटेट बनकर के आ गया प्लस नाइट्रस एसिड ठीक है और ये जो नाइट्रस एसिड यहाँ पर रिलीज हुआ ये अब हेल्प करेगा इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ दी कोबाल्ट नाइट्राइट यहाँ पर जो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है प्लस टू है अब ये जो नाइट्रस एसिड है वो हेल्प करेगा इस कोबाल्ट नाइट्राइट को जो कि प्लस टू में है उसको ऑक्सीडाइज करने में इनटू प्लस थ्री ठीक है तो यहाँ पर ये क्या है नाइट्रस एसिड है ये क्या हो गया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने बिहेव करा और यहाँ पर इसने नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज किया तो यहाँ पर हमने नाइट्राइट को लिया प्लस नाइट्रस एसिड प्लस ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन इसने रिलीज करी थी तो यहाँ पर क्या बन गया कोबाल्ट प्लस टू से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर आ चुका है प्लस वाटर रिलीज हुआ है अब क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दैट इज सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट एडिशन स्टेट प्लस थ्री है प्लस सोडियम नाइट्राइट को लिया और ये बन गया आपके पास में सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट ये क्या बन गया सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट इस तरीके से यह प्रेपरेशन होती है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट की और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ पेल येलो पाउडर पेल येलो पाउडर होता है ये इट इज़ फेयरली सोल्यूबल इन वाटर फेयरली सोलूबल होता है वाटर में कम्प्लीटली नहीं होता हाउ एवर इट्स सॉल्यूशन इज अनस्टेबल इन लाइट ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट है इसका जो सॉल्यूशन है वो लाइट में अनस्टेबल रहता है इस वजह से हम इसको डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लाइट के साथ में रिएक्ट ना करें ठीक है तो डार्क कलर की बॉटल में हम इसके एक्व सॉल्यूशन को स्टोर करके रखते हैं ठीक है और ये क्या करता है जैसे ही ये रिएक्ट करता है लाइट के साथ डिकम्पोज कर जाता है विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक देयरफोर इट्स एक्व सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स तो आपको ये खास ध्यान में रखना है आपसे पूछ सकते हैं एक दो तो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये अब इसका एक्शन देखते हैं विद पोटाशियम सॉल्ट्स पोटाशियम सॉल्ट्स के साथ में ये रिएक्ट करता है और हमारे पास येलो येलोप्रेसिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट तो ये क्या है पोटाशियम सॉल्ट है दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड हमने लिया है और इसने क्या करा जो पोटाशियम है उसने सोडियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम की जगह ले ली इसने और ये क्या बन गया पोटाशियम कोबाल्ट नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड जो है रिलीज हो गया वैसे ही ये अमोनियम सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड है प्लस सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट है तो इन्होंने क्या फॉर्म करा अमोनियम कोबाल्ट नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड यहां पर रिलीज हो गया तो इसका यही ये यूज है जो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट है इज यूज एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर पोटासियम एंड अमोनियम आयंस ठीक है तो मतलब किसी आपके टेस्ट में पोटैशियम और अमोनियम आयंस की डिटेक्शन उनकी एस्टिमेशन के लिए हम सोडियम कोबार्ट नाइट्राइट को यूज करते हैं ठीक है तो ये इसका यूज है और ये है इसका स्ट्रक्चर दैट इज कोबार्ट नाइट्राइट का ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है और ये क्या है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास में माइनस थ्री लगा है और इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं तीन सोडियम लगे होते हैं दैट इज इन दी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है और इस तरीके से आपका कोबाल्ट है और सिक्स लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है और इसकी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है सो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में देन गाइस टेक केयर गुड बाय